अनूठी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये नैपकिन, किचन में नैपकिन टॉवल्स रखने का ये हैंगर बनाना सिखाऊंगी, इसका तरीका बताऊंगी। और मैं ये इस तरह से बताऊंगी कि हमारे पास जो पुराने कपड़े या कुर्ते होते हैं उनसे हम इसको किस तरह बना सकते हैं। ये मेरे पास कुर्ता है, कुर्ते का कपड़ा था, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है और ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा निकाल लिया है। अब मैं इसको मैं यहां से ऐसे काटूंगी, ओवरलैप होगा एक दूसरे के ऊपर, आगे की तरफ से ओवरलैप होगा। तो एक हिस्से को मैं, ये पीछे वाला हिस्सा रखा है मैंने, पीछे लगेगा, ये ओवरलैप होगा हिस्सा, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे काटूंगी कि ओवरलैप इजीली हो जाएगा, एक हिस्सा अंदर जाएगा, उसके आगे हम ये वाला कपड़ा इस तरह से लगाएंगे। मैचिंग का हम कोई भी कपड़ा, कॉन्ट्रास्ट या कैसा भी हम ले सकते हैं। ये इस तरह से आगे ऐसे मैं काट के सिलूंगी, इसको मैं यहां सेंटर से काटूंगी और इसमें ये वाला पोर्शन आगे लगा दूंगी, तो इससे ये बढ़ जाएगा, ये पोर्शन अंदर जाएगा और जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा ऐसे ओवरलैप होकर, इसमें मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, ऐसे करके लेस लगाऊंगी। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूं इसकी, मैं कटिंग कैसे करती हूं। ये मैंने ऐसे ले लिया, ये पीछे का हिस्सा हम पूरा सिंगल रखेंगे क्योंकि यहां से सिल करके गैदर्स ऊपर डालकर हम इसको पतला करके एक पट्टी लगाकर रिंग लगाएंगे टांगने के लिए। अब मैं इसको यहां से कटिंग कर लेती हूं। ये इस तरह से, अब ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, जो मैंने बड़ा वाला पोर्शन काटा है, ये इसमें आएगा ऊपर और इसमें लगेगी यहां पर लेस, इस तरह से, इस तरह से। इसको यहां से मैं मोड़ करके फिनिशिंग दे करके ऐसे मोड़ करके और यहां इस पे लगाऊंगी ऐसे लेस, ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा। अब ओवरलैप होगा तो इसलिए इसको मैं यहां से थोड़ा बढ़ा हुआ इस वाले कपड़े को यहां पर ऐसे इसको सिल दूंगी, ऐसे ये इस तरह से इसके ऊपर ये बढ़ जाएगा और ये इसके ऊपर ओवरलैप होकर इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ओवरलैप होने से, ये अंदर से आपका ऐसा रहेगा, तो आप यहां पर एक कपड़ा लगाएंगे तो ये अंदर से कपड़े गिरेंगे नहीं और आप इसको ऐसे करके ना निकाल सकते हैं कपड़ों को इजीली। अब मैं आपको पहले सिलकर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। मैं इस पोर्शन में इसको सिलूंगी और इसमें मैं लेस सिलूंगी, इसमें मैं लेस सिलूंगी, इतना करके सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं सिल रही हूँ इसको, अब ये मैं वाला पोर्शन सिल रही हूँ जिसमें मेरे को एक कपड़ा लगाना है प्रिंटेड, पतला वाला हिस्सा जो अंदर आएगा, जो हमारे को ओवरलैपिंग में अंदर आएगा, इसको मैं इस तरह से लगा रही हूं ताकि हमारा नीट आए। हम देखिए सीधी तरफ से लगा रहे हैं, आप भी इस तरह से करेंगे तो सफाई आएगी और आप इसको ऊपर से मोड़ते हो ठीक कर सकते हैं। ये बस इस तरह से मैं सिल रही हूं इसको, ऐसे सिल लिया है ऐसे सीधी तरफ से। अब मैंने इसको ऐसे पूरा ठीक कर लिया, देखिए सीधा हिस्सा, इसको मैं यहां से नीटनेस दिखाने के लिए, नहीं तो क्या उल्टी तरह से आपके इसके रोए निकलेंगे कपड़े के, जो बिल्कुल अच्छा ही लगता है, आप नैपकिन निकालेंगे उसमें रोए उलझते हैं, जैसे ये ऐसे निकल रहे हैं ना, ये अगर उल्टी तरफ से निकलेंगे तो आपके हाथ में उलझेंगे और नैपकिन में भी उलझेंगे। हम इसको यहां से ऐसे मोड़ करके पूरी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए ऐसे मोड़ते हुए मैं इसको ऐसे सिल रही हूँ। ये देखिए ऐसे ऊपर से ऐसे नीट आ जाएगा। ये ऐसे सिल गया, ऐसे सिल रही हूँ, ऐसे ऊपर से ही मोड़ के ऐसे लेस लगा रही हूँ। यहां से भी डबल सिलाई लगाऊंगी लेस में, तो उससे क्या लेस बाहर दिखे। लेस लगा दी है, ये लेस लगा दी है। अब मैं आपको ये रखकर दिखाती हूँ कि ये ओवरलैप होकर कैसे आएगा, फिर उसके बाद मैं कैसे सिलूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ही सिला पीस अंदर वाला, जिसको मैंने छोटा काटा था, उसमें मैंने कपड़ा लगाया डिजाइनर आगे। उसके बाद ये वाले में लेस लगाई है, बड़े वाले पीस में ये ऐसे ओवरलैप होकर आएगा। अब हम इस पे यहां से पीस लगाएंगे चौकोर, जिसकी चौड़ाई हम अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे मैं मैक्सिमम 4 या 5 इंच की चौड़ाई रखती हूँ, क्योंकि हम इतना चौड़ा क्या करेंगे, वॉल पे लगाना होता है हमको किचन में, तो उतना चौड़ा तो हम नैपकिन्स भी नहीं तह करके रखते हैं। तो हम मैं खाली 4 या 5 इंच का चौड़ा कपड़ा रखती हूँ और बाकी इतनी लंबाई रख लेंगे जितना कपड़ा है, और इससे हम पीस जोड़ लेंगे पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा उस पीस से, जो मैं इस पीस से निकालूंगी। ये है मेरे पास, ये है, ये कुर्ते की आस्तीन है, इससे मैं निकालूंगी। देखिए ये, इससे मैं वो इतना पीस निकालूंगी और मैं इसी की आस्तीन है इसी को मैं हाफ करके ऐसे निकालूंगी। बस ऐसे करके मैं इसको ऐसे स्टिच करूंगी, ऐसे ऐसे स्टिच करूंगी, तो एक पोर्शन यहाँ आ जाएगा, एक पोर्शन पीछे वाले हिस्से में आ जाएगा, और इसकी इतनी चौड़ाई आ जाएगी जितना आस्तीन की चौड़ाई, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से मैं अभी आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने इसका बेस का पीस काटा है, ये मैंने काटा है 7.5x8 इंच का, ठीक है। इससे बड़ा, इससे ज़्यादा चौड़ा और लंबा हमें किचन में नहीं कंफर्टेबल रहता है बिल्कुल भी। इसके अंदर लगाएंगे हम बुकरम, ठीक है। बुकरम लगाने से क्या होगा, ये बुकरम अंदर आ जाएगी इस पीस के ऐसे अंदर, ऐसे मैंने डबल काटा है। देखिए डबल काटने से इसके अंदर हम बुकरम की लेयर लगाएंगे डबल, उससे क्या होगा, इसमें स्टिफनेस आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी इसमें, तो ये थोड़ा मजबूती आ जाएगी इसमें नीचे बेस में नैपकिन्स रखने के लिए। लेकिन ये क्या है, हमारा ये चौड़ा है और ये हमारा इतना है। हम इसमें गैदर्स डालते हैं किनारे पर, प्लीट्स डालते हैं, इसको बस हम प्लेन रख करके यहाँ प्लीट्स डालते हैं हम इसमें, इधर प्लेन, हम दोनों हिस्से पीछे और आगे का सिलने के लिए प्लेन रखते हैं यहाँ से किनारे से, बाकी हम ये प्लीट्स डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको आगे और पीछे के हिस्से में सिल देंगे। पहले मैं इसको पूरा ठीक से सिल करके, ताकि बुकरम सरके नहीं, हमारी बुकरम अंदर से सरके नहीं, इसमें चिपकी रहे बुकरम, इसमें सिल करके फिर मैं इसको इसमें जोड़ूंगी आगे के हिस्से में, फिर मैं इसको पीछे के हिस्से में जोड़ूंगी, पीछे वाला हिस्सा मैं आपको बताती हूँ। ऐसे दोनों साइड से बुकरम इसमें सिल दी है, बुकरम अपनी जगह से अब नहीं हिलेगी, बुकरम यहाँ अंदर फिट रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अब हम इसको आगे और पीछे के हिस्से में सिलेंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको पीस को सिल लिया है आपस में, अंदर आने वाला पीस और बाहर वाला पीस, जैसे सरके नहीं सिलाई में, थोड़ा टाका लगा लेने से पीस सरकते नहीं है आपस में। अब हम इसको ऐसे कोने पकड़ के मैं इसका सेंटर ले लूंगी पीस का, ये हो गया। और अब मैं इसको लेकर के यहाँ से इसका सेंटर ले लूंगी, दोनों सिलाई मिला के, ये ऐसे इस सेंटर पे, सेंटर पे रख के ये सेंटर पे आ गया पीस। अब हम इसको प्लेन सिलाई मारेंगे, यहां से इसको सिलाई मार के इसको हम लगा लेंगे। ये मैंने प्लीट डाली है,
सिलाई के लिए थोड़ा सा मैंने हिस्सा बाहर रहने दिया है, इतना सा जो पीछे का हिस्सा सिलेगा। बाकी मैंने बचे हुए कपड़े की यहाँ से प्लीट डाल दी है। प्लीट डालने से क्या है कि ये जैसे देखिए यहाँ एक प्लीट डाल दी है, ये एक प्लीट मैंने यहाँ डाल दी है, तो उससे क्या है कि ये कपड़ा जो है ना इधर से बस सिलाई की जगह छोड़कर मैंने प्लीट डाल दी है ऐसे। अब मैं देखिए ये ऐसे प्लीट्स हो गई, एक यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई, ऐसे मैंने इसको सिल दिया। ये फ्रेंड्स ये इस तरह से आ गया है, ये इस तरह से मैंने ये किनारे से थोड़ा सा छोड़कर प्लीट्स देकर के आगे का हिस्सा कर दिया है, ये इस तरह से जुड़ गया है इसमें। अब ये पीछे का जो पूरा हिस्सा है घेर का, नीचे का, नीचे का, इसको हम कहीं से भी कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम यहां से सिलना शुरू करेंगे, इसको हम यहां से सिलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा यहां आ जाएगा सिलेगा, यहां से सिलना शुरू करेंगे हम इसको ऐसे लेकर पूरा, ये पूरा इसी में एक पीस, ये पूरा यहां तक ये ऐसे आ जाएगा, इसी के नाप का है ये, यहां तक ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और यहां तक ये पूरा ऐसे, ये पूरा पीस यहां तक हम सिंगल सिलेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स ये पीछे वाला हिस्सा है, इसका जो नीचे का हिस्सा है हमको पूरा यहां से सिंगल जोड़ना है, तो मैं यहां से सिलाई शुरू करूंगी, यहां से लेती हुई ये देखिए ऐसे सिलते हुए, ऐसे सिलते हुए, फिर यहां से सिलते हुए, सिलते हुए पूरा यहां तक, देखिए पूरा नाप का है यहां तक आएगा। तो हमें ऐसे रखना है कि जो हमारा पीछे का कपड़े का जितना पूरा घेर है उतना हमारे को ये पूरा कपड़े की वो होनी चाहिए, तीन साइड का हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, क्योंकि पीछे के कपड़े का पूरा घेर हमारा सिंगल आएगा यहाँ। तो अब मैं सिलकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा नीचे का बेस तैयार हो गया, ये आगे का हो गया, ये बैक साइड हो गया, ये पूरा बेस तैयार हो गया। अब मैं इस पोर्शन को यहां से ऐसे सिल दूंगी और इस पोर्शन को मैं यहां से सिल दूंगी, यानी दोनों साइड इसकी मैं सिल दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये तैयार बन गया है। देखिए ये इस तरह से पूरा तैयार हो गया है मेरा, ये मैंने यहाँ गैदर्स डाल करके ऐसे कर दिया, ये बेस लगाया है मैंने जो आपको बताया बकरम से, ये पीछे वाला हिस्सा है जो पूरा सिंगल नीचे से मैंने जो उसका आधार होता है कुर्ते का नीचे से पूरा सिंगल पीस जोड़ा है। अब हमारा को ऊपर से इसको जोड़ना है और इसको लटकाने का सिस्टम करना है, ये इसको मैं यहाँ पर पहले सिलाई मारकर ठीक करूंगी ताकि ये सरके नहीं मेरा काम करने में, और इसको मैं बस इतना सा रखूंगी 3-4 इंच का, बस 3-4 इंच का रखूंगी और इसमें गैदर्स डाल दूंगी, गैदर्स डाल के और मैं जो ये कपड़ा लगाया है इसी के कपड़े का ऊपर, क्योंकि ताकि मैचिंग लगे, ये अलग से नहीं लगे कि हमने ऐसे पैच कर दिया है, इसी कपड़े का मैचिंग ऊपर मैं पूरा एक पाइपिंग दूंगी 4 तरह के कपड़े की, जिससे वो मजबूत रहे। और रिंग को ये रिंग मैं डालूंगी लटकाने के लिए, मेरा कर्टन के देखिए रिंग है, पहले कर्टन के रिंग ऐसे लगते थे ना, तो ये वो रिंग है ये मेरे पास रखा हुआ, तो मैं ये रिंग उस कपड़े में लगा दूंगी, स्टिच करूंगी लूप से, तो मैं आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि फिसलेगा नहीं इधर उधर ओवरलैप करके जैसे मुझे रखना है। ये पूरा मेरा ऊपर से इतना है, इसको हम सेंटर से कभी गैदर्स नहीं देते क्योंकि ये मोटा है, यहां से बहुत फिनिशिंग नहीं आएगी और अच्छा सा नहीं लगेगा, हम इसके साइड में गैदर्स देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, गैदर्स दोनों तरफ ऐसे और यहां से ऐसे, ये गैदर्स हम साइड में देकर फिर इतना हम कपड़ा यहां पर ये प्रिंटेड वाला लगाएंगे 4 तह करके, मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इसको पूरा सिल दिया, जोड़ दिया ऊपर से, यहां से हमारा देखिए खुला हुआ है ये, यहां से हम इसमें नैपकिन रख सकते हैं, ये ओपन है, ये ओवरलैप, इसको ऊपर से सिल दिया,
अब यहां से मैं ये कपड़ा सिलूंगी, ये कपड़ा इस तरह से। और ये मैंने देखिए रिंग में ये लूप लगा दिया है। जब ये ऊपर आएगा इसको यहां से टांगने के लिए करेंगे, इसमें हम ऊपर से सिलाई जब लगाएंगे इस लूप को मैं अंदर डालूंगी ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऊपर से स्टिच कर दूंगी। तो आपका ये हैंगिंग है। आप इसकी जगह चूड़ी डाल सकते हैं अपनी मेटल की, आप पर्दों के पुराने रिंग डाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप कपड़ा कपड़े की पतली पतली स्ट्रिप काटिए, तीन उसकी चोटी बनाइए, उसका लूप लगा दीजिए, वो भी बहुत मजबूत रहता है। डोरी ले लीजिए, ऊन ले लीजिए, उसको बट लीजिए अच्छे से, आप उसका लूप बना के लगा सकते हैं। लूप आप कोई भी लगाइए पर मजबूत रहते हैं वो कपड़े के। तो अब मैं आपको ये सिलकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सेट किया है, डबल करा कपड़े को, आधा पीछे रखा आधा यहाँ ऊपर रखा, बराबर का रखा। यहां से स्टिच करूंगी बिल्कुल सीधा, इसके नाप का यहां से पूरा स्टिच कर दूंगी। इसको हम उलट करके सीधा कर लेंगे तो ये आपका बहुत फिनिशिंग आएगी, पूरी सिलाई आपकी अंदर चली जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं दिखेगी। उसके बाद हम ऊपर ऊपर की सिलाई लगाकर लूप लगाएंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो लूप लगाया मैंने, देखिए कपड़ा आपको सीधा दिखाया था, ठीक है, यहां से मैंने स्टिच करके देखिए उल्टा कर लिया जैसे आपको दिखाया था, सिलाई सारी अंदर चली गई, कहीं कोई सिलाई नहीं दिख रही है ना, फिनिशिंग। फिर हमने लूप को यहाँ टाका मार दिया जिससे लूप सरके नहीं। उसके बाद उसको हमको जितना छोटा करना है यहाँ प्लीट डाल दी हमने ऊपर, तो ये हैंगिंग का हो गया, ये हो गया। अब आप ये देखिए अंदर से, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ आपके नैपकिन्स आते हैं, ये आपका बेस है, यहाँ आपके नैपकिन्स रखे रहते हैं, और ये आपका ऐसे कवर रहते हैं नैपकिन्स किचन में, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं और ये आप ऐसे हैंगिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसमें नैपकिन्स रख करके और आपको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टंगा हुआ है किचन में, और ये अभी बिना नैपकिन्स के मैंने आपको टांग कर दिखाया है, ये ऐसा है। इसमें अभी मैं नैपकिन्स रखकर फिर आपको दिखाती हूँ, नैपकिन्स आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए आपके नैपकिन्स, आप ऐसे फोल्ड करके नैपकिन्स, किचन में हम जो टॉवल्स और नैपकिन्स रखते हैं, ये देखिए ऐसे आप फोल्ड करके रखिए अंदर, देखिए देखिए ये देखिए कितनी जगह है आपके नैपकिन्स रखने की, आप रखिए आराम से इसमें, और आप ऐसे कवर करके रखिए, नैपकिन्स गिरेंगे भी नहीं, और गैदर से देखिए कितनी जगह है, और आपके हाथ डाल के निकालने के लिए भी जगह है, गिरने का भी डर नहीं, आप आराम से चूज करके अपना नैपकिन निकाल सकते हैं, जो आपको चाहिए आप रख भी सकते हैं। ये इस तरह से ये आपका नैपकिन हैंगर तैयार है, नैपकिन हैंगर। थैंक यू सो मच अनूठी में विजिट करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अनूठी को विजिट कर सकते हैं फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, और आपको लिंक फेसबुक पर भी और इंस्टा पे भी मिल जाएंगे मेरे अनूठी के लिंक। और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे हौसला बढ़ेगा, उत्साह मिलेगा मुझे, और मैं इसी तरह और भी आपके लिए सामान बनाती रहूंगी, लाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी। आप कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।